उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली के मौके पर होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इसमें पूरे शहर में 25 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। पिछले साल 21 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। अयोध्या में इस साल के कार्यक्रम की खास अहमियत है, क्योंकि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहला दीपोत्सव होगा। सौभाग्य का विषय है और हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि देव दीपावली के पावन अवसर पर भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर में, दिव्य पावन प्रांगण में गौ माता के गोबर से बने हुए दीपक जगमगाएंगे। तो निश्चित रूप से आभार प्रकट करते हैं हम ट्रस्ट के पदाधिकारियों का, नगर निगम अयोध्या का और उत्तर प्रदेश सरकार का। ये दीपक भगवान रामचंद्र जी की खुशी में हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये दीप उत्सव में जाएगा और भगवान राम के भी स्थान पर या दीप जलाने के लिए जाएगा। कितने दीपक? अभी हम लोग 20,000 दीपक बना चुके हैं, जो टारगेट हम लोगों का मिला है 2 लाख के आसपास है। तो कितने लोग मिलकर बना? हम लोग 10 लोग, इसमें दर्जन भर लोग हैं जो इसको बना रहे हैं। सर दिया बना रहे हम लोग गोबर का शुद्ध। कितने दीपक बना रहे हम लोग? 2 लाख का दिया बनने का। तो 2 लाख दीपक आप बना लेंगे? जी जी। अच्छा दीपक की खासियत? गोबर का शुद्ध गोबर का बन रहा है दिया। प्रशासन ने मंदिर परिसर में गाय के गोबर से बने 2 लाख दिए जलाने की भी योजना बनाई है। वाराणसी में भी कुछ इसी तरह से तैयारियां जोरों पर है। यहां आतिशबाजी और लाइट शो के साथ घाटों और शहर की कई और खास जगहों को रोशन करने के लिए 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस बार हम जो घाटों पे दीपक प्रज्वलन का काम होता है वो लगभग 12 लाख के दिए होंगे हमारे जो घाटों पे जलेंगे। इसके अतिरिक्त कुंडों पे भी और इस तरह के जो पुराने इमारतें हैं उस पे भी हम दीपक जलाएंगे। 12 लाख के दिए की बात है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है तो इसमें 2 बड़े कार्यक्रम, जैसे कि एक इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो और प्रोजेक्शन मैपिंग जिसको लेजर शो भी कहते हैं, इसका भी इस बार होना है। दिवाली को दीपों के त्यौहार के तौर पर भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे और लोगों ने घरों में दीप जलाकर उनकी आगवानी की थी।